तो आइए इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। आज आपके चयन में करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। करंट अफेयर्स का मतलब यह नहीं होता कि हम सभी सूचनाओं का संग्रह अपने मन मस्तिष्क में करें, बल्कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि बहुत सिलेक्टेड विषय बिंदु ही करंट में पूछे जाते हैं। करंट की चुनौती बढ़ती जा रही है, इसी वजह से हमारे पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग हो रहे हैं और हम तीन तरीके से संस्थान की तरफ से आपको करंट तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा से गलत ना हो। एक तो रटलो श्रृंखला के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर्स लगातार तैयार कर रहे हैं। दूसरा, मासिक जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको वैक्सीन के रूप में प्रदान करता हूं, जैसे आपने जनवरी वैक्सीन देखा, फरवरी वैक्सीन है ना। और तीसरा एक तरीका है जो वार्षिकी पूरी है, अलग अलग भागों में बांट के उस वार्षिकी को हम लोग तैयार करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया हुआ है वो गेम्स है। यहां पर मैं इस टॉपिक को दो तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं वर्ष भर के जितने भी खेल से संबंधित आयोजन है उनको आपको पढ़ाऊंगा और फिर सिलेक्टेड उनसे जो 25 प्रश्नोत्तर है उनको आपको हल कराऊंगा, जिससे अभ्यास भी आपका हो जाएगा और आपको निश्चित रहेगा कि किस तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और कैसी विषय वस्तु पूछी जाएगी। RO, UPPCS, UPSI, जूनियर एडेड, सुपर टेट जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें समान रूप से श्रृंखला आपकी उपयोगी है, क्योंकि पिछले 10 से 12 माह का करंट आपको तैयार करना है। जहां तक हम खेल की बातें करते हैं, खेल प्रतियोगिताएं दो तरीके से हमें तैयार करनी है। कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जो 2 वर्ष में, 3 वर्ष में और 4 वर्ष में एक बार आयोजित आपके समक्ष की जाती है या उनका आयोजन एक बार होता है। तो जब तक वो दूसरी प्रतियोगिता नहीं हुई, हमारे लिए वो प्रतियोगिता उतनी ही महत्व की है, चाहे वो 2 वर्ष पुरानी हो चाहे वो 3 वर्ष पुरानी हो। और कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जो लगातार चलती रहती हैं, इन प्रतियोगिताओं में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोनों ही तरह की प्रतियोगिताओं का यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे और इस सार संग्रह में हम लोग गेम्स से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन 55 से 60 मिनट में पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको इस श्रृंखला न केवल पसंद आएगी बल्कि परीक्षाओं के लिए भी यह श्रृंखला आपकी संजीवनी की तरह होगी। आइए शुरुआत करते हैं गेम्स से। आइए शुरुआत करते हैं खेल प्रदर्शन की और इसका सबसे पहला बिंदु है आपका 18वें एशियाई खेल 2018। 18वें एशियाई खेल 2018 को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 19वें अभी आयोजित नहीं हुए और जब तक 19वें आयोजित नहीं हुए, 18वें आपके लिए समान महत्व के हैं। 18वें से प्रश्न आपसे पूछे भी जा रहे हैं और लगातार पूछे भी जाएंगे जब तक 19वें का आयोजन नहीं हुआ। तो 18वें एशियाई खेलों में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, कुछ सीमित बिंदुओं में हम लोग इसको तैयार करते हैं। आयोजन स्थल इसका क्या था, तो आयोजन स्थल इसका इंडोनेशिया था और इंडोनेशिया में कहां पे हुए थे, जकार्ता और पालेमबांग में हुए थे। इसका उद्घाटन जोको विडोडो जी ने किया था जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद इसका शुभंकर और थीम हमें याद रखना है। तो शुभंकर में 3 पशु पक्षी थे, है ना, कुल कितने थे, 3 थे। 1 स्वर्ण की चिड़िया थी, 1 काका था जो एक गैंडा स्वरूप था और 1 आतुंग था जो ये हिरण था। तो क्या था, 3 था, 1 चिड़िया, 1 आपका गैंडा और 1 आपका हिरण, ये 3 पशु पक्षी इसमें शामिल थे। इसका ध्येय वाक्य थीम क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया इसका ध्येय वाक्य था। एशियाई खेलों में सम्मिलित भारतीय दल के खिलाड़ियों की कुल संख्या 804 थी, क्लियर है। एशियाई खेल 2018 में भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक विजेता बजरंग पुनिया थे। कई बार ये प्रश्न आपसे 2018 बाद के बाद पूछा जा चुका है ना, कि एशियाई खेल 2018 में भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, बजरंग पुनिया थे। अब 19वें एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन के हांगझोउ में किया जाएगा और 20वें एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में नागोया जापान में किया जाएगा। इतनी जानकारी एशियाई खेलों के बारे में आपको रखनी है और यहां से आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिलेंगे। अगला बिंदु है हमारा फीफा विश्व कप, है ना। चलिए फीफा विश्व कप, तो पहले तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है बताइए, फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम फीफा कहते हैं और कई बार आपसे इसको पूछा गया है। 21वें फीफा विश्व कप की हम बात कर रहे हैं जिसका आयोजन 2018 को हुआ, क्लियर, और जिसका फाइनल मुकाबला 15 जुलाई 2018 को खेला गया। कहां पर आयोजन किया गया था, मेजबान देश कौन था, था रूस था। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया, कितनी टीमों ने भाग लिया, 32 टीमों में भाग लिया, जिन्हें 8 समूहों में बांटा गया था, 8 समूहों में बांटा गया था। आगे मैं आपको बताऊंगा। टूर्नामेंट में कुल 64 मैच 11 नगरों में
12 मैदानों पर खेले गए। इतनी इनिशियल जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी, बट बेसिक क्लियर करने के लिए आप याद रखिए, है ना। मेजबान कौन था? रूस। अब आगे की जानकारियां महत्वपूर्ण है। कुल भागीदार टीमें कितनी थी? 32 टीमें थी, जिन्हें 8 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला मैच जरूर याद रखिएगा, पहला मैच रूस व सऊदी अरब के बीच खेला गया था। शुभंकर इसका क्या था? जावी वाका, एक मानव रूपी भेड़िया का चित्र था जो इसका शुभंकर था। विजेता था फ्रांस और उपविजेता था क्रोशिया, मतलब फाइनल जो मुकाबला था वो फ्रांस और क्रोशिया के बीच था। फ्रांस ने 4-2 से इस मुकाबले को जीता था। आइसलैंड और पनामा की टीमें पहली बार विश्व कप में शामिल हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा विश्व कप में पहली बार शामिल होने वाली दो टीमें कौन सी थी, या कितनी टीमें इसमें पहली बार शामिल हुई थी? तो दो टीमें पहली बार शामिल हुई थी, आइसलैंड और पनामा की टीमें पहली बार शामिल हुई थी। इतनी जानकारी बेटा हम लोगों को रखनी है फीफा विश्व कप के बारे में, सीमित बिंदुओं में जानकारी रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जानकारी जरूर रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स। 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया में 2018 में संपन्न हुए। सारी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं 2018 में ही हुई, क्रम जरूर याद रखिएगा, 21वें की हम लोग बात कर रहे हैं। 18 खेलों की 23 प्रतिस्पर्धाएं, 275 खेल इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किए गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया, इस पूरे चारों बिंदुओं को ध्यान से पढ़िएगा। 71 देशों के 6600 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भागीदारी की। भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत, 20 कांस्य सहित कुल 66 पदक जीतकर तालिका में तीसरा स्थान बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। कॉमनवेल्थ गेमों में भारत का स्थान कौन सा था? तीसरा था। वो कुल पदकों की संख्या कितनी थी? 66 थी। पहले बार दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रहे। ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर रहा और इंग्लैंड दूसरे पायदान पर रहा, और तीसरे पर कौन रहा? भारत। उद्घाटन गोल्ड कोस्ट सिटी के करार स्टेडियम में हुआ था। खेलों के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने की थी। ये आपके लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आपको यहां पर याद रखना है। आइए, इस बार राष्ट्रमंडल खेलों से एक खेल को हटा दिया गया था जिसका काफी विरोध हुआ था, और वो हटाने वाला खेल कौन सा था? जूडो। ये प्रश्न आपसे एक बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि इस बार राष्ट्रमंडल खेलों से किस खेल को हटा दिया गया था? जूडो खेल को हटाया गया था, और 2 नए खेल जोड़े गए थे। एक तो बास्केटबॉल जोड़ा गया था और दूसरा पावर लिफ्टिंग जोड़ा गया था। तो बास्केटबॉल और पावर लिफ्टिंग ऐसे 2 नए खेल थे, है ना। 2:1 में समझ लीजिए कि एक को हटाया गया था और 2 नए को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। शुभंकर इसका क्या था? बोरोबी था। ध्येय वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम, और थीम थी हेलो अर्थ। ये 3 चीजें बेटा याद रखिएगा, ये आपसे पूछ ली जाती है। थीम थी हेलो अर्थ। आइए अगला है आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल, कई मायनों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हुए उसमें रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ना। तो आपसे पूछा जाएगा वह कौन सी खेल प्रतियोगिता थी जिसमें रूस को प्रतिबंधित किया गया था? तो 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2022 में बीजिंग में चीन में होगा। 23वें की बात कर रहे थे। 23वें शीतकालीन खेल प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए थे। कहां आयोजित थे? प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में तीसरे एशियाई खेल आयोजित हुए थे। अगला बिंदु है आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल, और हम 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बात कर रहे थे। यह खेल कई मायने में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आयोजन तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कई जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों से रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी खेल प्रतियोगिता थी जिससे रूस को प्रतिबंधित किया गया? तो 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों से रूस को प्रतिबंधित किया गया था, एक बात। दूसरी, 24वें शीतकालीन जो ओलंपिक खेल है वो चीन में आयोजित किए जाएंगे 2022 में, चीन के बीजिंग में। 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ था? प्योंगयांग में हुआ था, दक्षिण कोरिया में। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया का विवाद आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में इन दोनों ही देशों ने एक ही ध्वज के नीचे प्रतियोगिता में मार्च पास्ट किया था। तो आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त रूप से एक ही ध्वज के नीचे
दोनों देश किस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, तो वो शीतकालीन 23 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल हुए थे। नीचे मैंने वो बिंदु दिया भी है, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया की टीमें एकीकृत कोरिया ध्वज के तले मार्च पास्ट में भाग लिया था। शुभंकर एक श्वेत टाइगर जिसे सुहो रांग नाम दिया गया है, क्या है सुहो रंग क्या है, एक श्वेत टाइगर है, तथा एक एशियाई ब्लैक बियर जिसे बंदवी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बंदवी नाम दिया गया है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं शुभंकर के बारे में जो जानकारी है, और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हाफमैन कप। अब यहां से हम लोग धीरे धीरे 2019 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 5 जनवरी 2019 को संपन्न मिश्रित टेनिस टूर्नामेंट हाफमैन कप का खिताब स्विट्जरलैंड ने लगातार दूसरी बार और ओवरऑल चौथी बार जीत लिया। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने बेलिंडा वेंसिच की जोड़ी ने रोजर फेडरर और बेलिंडा वेंसिच की जोड़ी ने फाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव और एंजेलिक बर्बर की जोड़ी को हटाया। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हाफमैन कप या डेविस कप जैसी प्रतियोगिताएं आपसे पूछी जाती हैं, तो यहां पर व्यक्ति का नाम नहीं पूछा जाता बल्कि देश का नाम पूछा जाता है। तो हाफमैन कप का फाइनल किस किस के बीच हुआ, तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड के बीच और जर्मनी के बीच, और इसमें हाफमैन कप 2019 किसने जीता, स्विट्जरलैंड ने जीता, है ना। तो कई प्रतियोगिता ऐसी होती है जहां पर व्यक्ति के नाम न पूछकर आपके देश के नाम पूछे जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि हाफमैन कप 2019 किसने जीता था बताइए, तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड ने जीता था, और उपविजेता देश कौन सा था, उपविजेता देश जर्मनी था। क्लियर हुई बात? आइए बेटा, अगला है आपका डेविस कप 2019। फिर वही बात, वर्ल्ड नंबर एक टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने सीजन का अंत अपने देश स्पेन को छठा डेविस कप खिताब दिलाकर किया है। अब गौर से देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि डेविस कप किसने जीता, तो स्पेन ने जीता। प्रश्न जितने भी बार पूछा गया है वो देश के नाम से भी पूछा गया है, क्लियर। स्पेन को छठा डेविस कप खिताब दिलाकर दिया। स्पेन ने डेविस कप के फाइनल में कनाडा को 2-0 से मात दी के खिताब दिखा, तो उप विजेता देश कौन सा रहा, अब ये भी याद रखना है। तो उप विजेता देश जो है वो उप विजेता देश रहा हमारा कनाडा, क्लियर। नडाल ने कनाडा के डेनिस सापोल वालोक को यहां काजा मैच का स्टेडियम में खेले गए मैच में जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों से मात देके स्पेन की जीत पक्की की। तो आपको बेटा यही याद रखना है कि डेविस कप प्रतियोगिता स्पेन ने जीती, उप विजेता देश कौन रहा बताइए, कनाडा रहा, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता होती है जिनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी बहुत जरूरी है। इन प्रतियोगिताओं के क्रम से लेकर इनकी बारीकियों से संबंधित प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते रहे हैं, और ये प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है, और इन प्रतियोगिताओं से प्रत्येक वर्ष ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के रूप में भी कई जानकारियां ऐसी हैं इन प्रतियोगिताओं के बारे में जिनको आपको अपने पास रखने की जरूरत है, जो निश्चित रूप से आपको प्रश्नों के माध्यम से मिलेंगी। आइए ऐसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। 4 प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जिनका क्रम निश्चित है, और इन निश्चित क्रम में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। कोरोना के वर्ष में 2020 में दुर्भाग्य रहा कि इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो पाई। पहले हम जो बेसिक जानकारियां हैं इन प्रतियोगिताओं के बारे में उनको इकट्ठा करते हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों प्रतियोगिताओं को अगर हम क्रम के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन का आयोजन किया जाता है जनवरी में, इसके बाद फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है मई जून में, उसके बाद विम्बलडन का आयोजन किया जाता है जून और जुलाई में, और उसके बाद यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है अगस्त और सेप्टेम्बर में। अब इसका क्रम आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसके क्रम के लिए आप लिख सकते हैं ऑफ व्यू, आ से ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फा से फ्रेंच ओपन, वी से विम्बलडन, और यू से यूएस ओपन। चारों प्रतियोगिताओं का अपना एक क्रम है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, यह भी आपसे कई बार पूछा गया है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, विम्बलडन ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। तो 2 प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जो हार्ड कोर्ट पर आयोजित की जाती है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। अगर हम इन प्रतियोगिताओं में देखें, तो सबसे प्राचीन प्रतियोगिता जो आपकी है वो विम्बलडन है, 1877 में इसका प्रारंभ हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर यूएस ओपन का नाम आता है, उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन का नाम आता है, और सबसे नई प्रतियोगिता जो है वो 1905 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। तो ये एक स्क्रीनशॉट आप अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट से 1 या 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षाओं में मिल जाते हैं एक वर्ष में।
अब आते हैं आयोजित हुई इन प्रतियोगिताओं के ऊपर। तो देखिए 2021 कोरोना तो था ही, लेकिन 2021 का साल शुरू हो चुका है और 2021 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन जनवरी फरवरी में होता है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का आयोजन हो चुका है। अब इन प्रतियोगिताओं को मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा जिस प्रकार से आयोजित हुई है। तो पुरुष एकल का खिताब नोवान जोकोविच ने जीता, ये सर्बिया के हैं, क्लियर है। और उपविजेता रहे वो डीएल मेदवेदेव रहे, ये रूस के हैं, ठीक है। महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने, बहुत जाना माना नाम है, जापान की है। और जेनिफर ब्राडी उपविजेता रही, ये अमेरिका की है। पुरुष युगल इवान डोडिक पाला से क्रोशिया और स्लोवाकिया के हैं और राजीव राम अमेरिका के हैं, रालिसबुरी ब्रिटेन के उपविजेता है। महिला युगल एलिस मटन्स बेल्जियम की है, हरियाणा सवालेंका बेलारूस की है और उपविजेता बारबोरा क्रिजिस्कोवा कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की है। देखिए मिश्रित युगल बहुत पहले पूछा जाता था जब लिएंडर पेस और महेश भूपति खेलते थे, लेकिन अब मिश्रित युगल नहीं पूछा जाता है, बहुत दिन से भारत में नहीं पूछा गया। मैं इसके लिए गारंटी नहीं ले रहा हूं कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, चार्ट में है तो आप उसको भी देख लीजिए, लेकिन यहां तक आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पुरुष एकल और महिला एकल के पूछे जाने की प्रबलता संभावना जो है वो 95% परीक्षाओं में होती है, तो इनको जरूर याद रखें और इनके देश के नाम को भी याद रखें, विजेता और उपविजेता कौन थे और वो किस देश से संबंध रखते हैं। इसके बाद यदि हम लोग देखें फ्रेंच ओपन 2020, है ना, अब इतना ही चार्ट आपको याद रखना है। पुरुष एकल राफेल नडाल स्पेन के हैं, उपविजेता नोवान जोकोविच सर्बिया के हैं। महिला एकल इगा स्वियातेक पोलैंड की है, सोफिया केनिन अमेरिका की है। और पुरुष युगल और महिला युगल के नाम भी आपको याद रखना है, यहां पर प्रबल संभावना है आपसे पूछे जाने की, बाकी चार्ट आपको दिया गया है, क्लियर। फ्रेंच ओपन के बाद, हां, विंबलडन ओपन टेनिस 2019 पुरुष एकल नोवान जोकोविच है, कहां के, सर्बिया के हैं, और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। महिला एकल सिमोना हालेप रोमानिया की है, सेरेना विलियम्स अमेरिका की। ये 2019 की बात है क्योंकि 20 में इसका आयोजन हुआ नहीं और 21 में इसका समय अभी आया नहीं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, यूएस ओपन टेनिस 2020 पुरुष एकल डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के हैं, एलेक्सेंडर ज्वेरेव जर्मनी के हैं और महिला एकल नाओमी ओसाका जापान की है और विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की है। इन चार्ट को भी याद रखिएगा, इनको मत भूलिएगा क्योंकि यहां से पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया चारों का क्रम है ऑफ व्यू, इसको आपको याद रखना है क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आपसे पूछा जाता है। पुरुष एकल और महिला एकल के विजेता और उपविजेता को आपको याद रखना है। अगली प्रतियोगिता की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना। तो आप बताइए सबसे पहले मुझे, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो ठीक है, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हुआ था, दिल्ली में, है ना। तो पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था वो बेटा दिल्ली में हुआ था, प्रश्न पूछा गया है आपसे याद रखिएगा 2018 में। दूसरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था वो कहां पे हुआ था, अब इसके बारे में भी आप लोग बताएं कमेंट करके। तो दूसरा जो गेम था वो महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे में, है ना, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था 2019 में। तीसरा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये कहां पे हुआ, असम के गुवाहाटी में हुआ, इसकी हम बात कर रहे हैं। और चौथा जो आयोजित होने वाला है वो होने वाला है हरियाणा में इस वर्ष, है ना, जिसमें चार नए खेलों को शामिल किया गया है, इसके बारे में भी अभी हम लोग बातचीत करेंगे। क्रम से देखते हैं, इस समय हम तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की बात कर रहे हैं, है ना। आयोजन स्थल गुवाहाटी असम में हुआ, मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में हुआ, आयोजन तिथि 10 से 22 जनवरी 2020 थी, संस्करण तीसरा था और आयु वर्ग है 17 से 21। ये तो कुछ बेसिक और बुनियादी जानकारी हो गई इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं पुराना नाम इसका क्या है, इसका पुराना नाम है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। शुभंकर क्या था, जय और विजय, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शामिल राज्य कितने थे, 37, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। कुल शामिल खेल कितने थे, 20 थे। पहली बार शामिल खेल कौन सा था, साइकिलिंग एवं लॉन बाउल्स को पहली बार शामिल किया गया था। भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 10,000।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स की एक सबसे महत्वपूर्ण और खास बात बेटा ये है कि इस वर्ष से इसमें भारत के पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया जा रहा है जो किसी क्षेत्र विशेष से या राज्य विशेष से महत्व रखते हैं। अभी यह निर्णय सरकार ने लिया है, खेल मंत्रालय ने लिया है, जिसके बारे में भी मैं अभी आपसे चर्चा करने चल रहा हूं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मशाल प्रज्वलन हिता दास ने किया, सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, द्वितीय स्थान हरियाणा का है, तीसरा स्थान दिल्ली का है। तो पहले तीन स्थान तो आपको याद रखने हैं, इसके बाद जिस राज्य ने आयोजित किया था असम का, उसका स्थान भी रखना है और आपको अपने राज्य का स्थान भी रखना है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान पांचवा है, क्लियर है। असम राज्य का स्थान चूंकि ये मेजबान था सातवां है। तो पहला दूसरा तीसरा स्थान याद रखना है, पांचवा स्थान याद रखना है और सातवां स्थान याद रखना है, ठीक है। हाँ, और खिलाड़ियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 8 साल तक 5 लाख रुपए सालाना, क्लियर, ये हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, चौथे खेल इंडिया यूथ गेम्स 2021 चार देशी खेलों, खेल मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2020 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में चार देशी खेलों को शामिल करने की अपनी मंजूरी दी। अगर हम देखें तो सभी लगभग लगभग मार्शल आर्ट से संबंध रखते हैं और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के खेल हैं सभी, है ना। 2021 में चार देशी खेलों को शामिल करने की अपनी मंजूरी दी है। ये खेल है गतका, कलरीपयट्टू, थांगता और मल्लखम्ब। इन खेलों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में होने वाले हैं। अब देखिए, कलरीपयट्टू जो है एक भारतीय मार्शल आर्ट है जो आधुनिक केरल में उत्पन्न हुआ था और पूरे विश्व में खेला जाता है, ठीक है। स्वदेशी खेल जो मल्लखम्ब है वो एक पारंपरिक खेल है जिसे एक जिम्नास्टिक एरियर योग कराता है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज्यादा लोकप्रिय है। गतका पंजाब का हथियार पर पारंपरिक मार्शल आर्ट प्रारूप है, आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, पंजाब से मुख्य रूप से संबंधित है। थांगता मार्शल आर्ट का एक भारतीय रूप है जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में उत्पन्न हुआ था। थांगता मार्शल आर्ट के हुएन लोंग का रूप है, सशस्त्र लड़ाकू घटक है, रूप का हुएन लेंगलोन रूप का सशस्त्र लड़ाकू घटक है ना। तो चारों ही खेल जो आयोजित किए गए हैं, आपको इन खेलों का नाम भी याद रखना है और इन खेलों के नाम के साथ साथ आपको मालूम है कि चारों ही मार्शल आर्ट से जुड़े हुए खेल हैं जो इस बार हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाले चौथे यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसकी बार पहली बार इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आइए अगली प्रतियोगिता की बात करते हैं। अगली प्रतियोगिता है हॉकी, है ना, पुरुष हॉकी विश्व कप। जब तक अगला नहीं होता, जो हुआ है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था और उड़ीसा के मैंने कहा भी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। बेल्जियम ने दिसंबर 2018 को फाइनल में नीदरलैंड को सडन डेथ शूट आउट में 3-2 से हराकर 14वें हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब जीत लिया था। भारत पहले ही इसमें क्या हो गया था, बाहर हो गया था। बेल्जियम की टीम पहली बार चैंपियन बनी है। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे स्थान के लिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को 8-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। मतलब तीसरे स्थान पर कौन था बताइए, ऑस्ट्रेलिया था। और ऑस्ट्रेलिया ने एक और रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हॉकी विश्व कप के इतिहास में अपने 300 गोल भी पूरे किए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हॉकी विश्व कप के इतिहास में 300 गोल करने वाली जो एकमात्र टीम है वो कौन है बताइए, ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर रही, कांस्य पदक के साथ संतोष किया, ठीक है। आइए बैडमिंटन, तीन बैडमिंटन प्रतियोगिता हमेशा आपसे पूछी जाती है। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2020, हाँ, पुरुष एकल विजेता एंथोनी सिनुसुका गिटिंग इंडोनेशिया के हैं और पुरुष एकल उप विजेता जो है वो आंद्रेस एंटोसेन है, डेनमार्क के हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। महिला एकल विजेता जो है वो रात चनोक इंतानोन है, थाईलैंड की है, और महिला एकल उप विजेता जो है कैरोलिन मारिन है, स्पेन की है। चलो, मलेशियाई मास्टर्स भी आपसे पूछा जाता है। चलिए, पुरुष एकल विजेता और पुरुष एकल उप विजेता केंटो मोमोता एकल विजेता है, ये कहां पे है, जापान के हैं, और इसका आयोजन कहां पे हुआ, क्वालालंपुर मलेशिया में इसको आयोजित किया गया। पुरुष एकल उप विजेता जो है वो विक्टर एक्सेलेसन है, डेनमार्क के हैं। महिला एकल विजेता चेन युफेई है, चीन की है। महिला एकल उप विजेता ताई तिजु यिंग है जो चीन के ताइपे की है।
एक और आपको याद रखना है, भारत का भी इसमें प्रतिनिधित्व है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 पुरुष एकल जो विजेता है वो कौन है बताइए, केंटो मोमोता है जापान की, आयोजन स्थल वासिल स्विट्जरलैंड में हुआ, और महिला एकल विजेता जो है वो कौन है, पीवी सिंधु है ना, भारत के गौरव है और भारत की बहुत ही उम्दा और बेहतरीन खिलाड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग है ना, कौन विजेता था, मुंबई इंडियंस ने पांचवीं बार इस खिताब को जीता है ना, 13वां संस्करण की बात कर रहे हैं, उप विजेता कौन था, दिल्ली कैपिटल थी। कब आयोजन हुआ, 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक, फाइनल स्थल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है ना। चलिए, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप भी आपको याद रखना है, ऑरेंज कैप केएल राहुल 670 सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी केएल राहुल थे किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, और पर्पल कैप कासिगो रवाडा 30 विकेट लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से, जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, आईपीएल चैंपियनशिप पर एक नाम डाल लीजिए, यहां पर मुंबई इंडियंस ने, यही पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बार कितनी बार जीता, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार जीता है, पांचवी बार जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 30 मई से 14 जुलाई 2019 के बाद पोस्ट क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण इंग्लैंड एवं वेल्स की मेजबानी में संपन्न हुआ। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मध्य लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया फाइनल 242 रनों पर टाई रहा था, सुपर ओवर भी टाई रहा था। इसके बाद बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड को विश्व विजेता घोषित किया गया था। मैच में इंग्लैंड ने 26 बाउंड्री और न्यूजीलैंड ने 17 बाउंड्री लगाई थी और आयोजन हुआ था। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया, न्यूजीलैंड के कप्तान केल विलियमसन को टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। क्लियर है। आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2020 इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, विजेता बांग्लादेश था और उपविजेता भारत था, इतना ही आपको याद रखना है। फीफा रैंकिंग 27 नवंबर 2020 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर रही, ये डाटा जरूर याद रखिएगा। बेल्जियम ने विश्व रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान कायम रखा, जिसके बाद फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड और पुर्तगाल की टीमें काबिज है, भारत रैंकिंग में तो है लेकिन 104वें नंबर पर है, इसको आपको याद रखना है। आइए, खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 है ना, रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है खेल का, मरियप्पन थंगावेलु को पैरा एथलेटिक्स के लिए, ऊंची कूद के लिए, मनका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए, दिनेश फोगाट को कुश्ती के लिए और रानी रामपाल को हॉकी के लिए 29 अगस्त 2020 को प्रदत्त किया गया। तो 2020 में कुल 5 व्यक्तियों को एक खेल पुरस्कार प्राप्त किया गया, उन 5ों के नाम, खेल और विषय आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। आइए, आगामी खेल प्रतियोगिता, यह एक चार्ट है जिसको आप अच्छे से देख लेंगे कि आगामी खेल प्रतियोगिता कौन सी कहां पे आयोजित होने वाली है। यह एक फ्लेक्चुअल डाटा है आपका, जैसे 32वें ओलंपिक खेल, 22वें ओलंपिक खेल, 19वें जो नोट्स में आपको मिल जाएंगे, तो अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको नोट्स से आप आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा विविध देख लीजिए। अभी हाल ही में जो चीजें जोड़ी गई हैं, ब्रेक डांस ओलंपिक खेल के रूप में शामिल हुआ है ना, ब्रेक डांस 8 दिसंबर 2020 को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2024 में पेरिस में होने वाले खेलों में किस नए खेल को शामिल किया, ब्रेक डांस को शामिल किया ब्रेकिंग नाम से है ना, तो ब्रेक डांस अब खेल के रूप में शामिल हो गया। ब्रेक डांसिंग ओलंपिक में ब्रेकिंग नाम से जाना जाएगा, मैं पहले कह दिया, जैसा कि पिछली सदी के 8वें दशक में अमेरिका में इसे कहा जाता था। इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी ओलंपिक में शामिल किया गया है। इन तीनों खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। क्लियर। चलिए, आईसीसी अवार्ड्स अभी घोषणा हुई 28 दिसंबर 2020। आईसीसी द्वारा पिछले 10 वर्ष में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जिसमें स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है, T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वनडे के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, टेस्ट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, सभी पुरस्कार यहां पर दिए गए हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर किसे चुना गया, महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। आइए, पुरुष पुरस्कारों में अगर हम लोग यहां पर देखें बेटा, तो सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी विराट कोहली है भारत से, सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी राशिद खान जो है अफगानिस्तान से, और दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया से। बहुत बड़ी बात है
अफगानिस्तान जैसे अशांत देश में इतने बेहतरीन खिलाड़ियों का आगे आना, क्रिकेट में इतनी रुचि रखना, इससे उस देश के माहौल को एक नई ऊर्जा और नई जान मिली है। और राशिद खान एक रोल मॉडल की तरह एक बेहतरीन ऑलराउंडर है इस क्रिकेट के, है ना। तो बताइए, इनको T20 का दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, एक बड़ी उपलब्धि है ये विश्व क्रिकेट के लिए और अफगानिस्तान के लिए। भारत ने बहुत मदद की है। महिला पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला जो है वो कौन है, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की है। अभी सचिन तेंदुलकर के साथ भी जो है आपने देखा था कि इनका नाम काफी जो रहा था, इन्होंने एक मैत्री मैच के लिए एक ओवर डाला था और वो डोनेशन ओवर था, उससे जो रुपया इकट्ठा हुआ था उसको डोनेट किया था। एलिस पेरी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की, इन्हें दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, एक दिवसीय महिला खिलाड़ी एलिस पेरी को चुना गया। वार्नर गावस्कर ट्रॉफी हम सभी लोग जानते हैं, 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 से भारत ने इसको जीता और ये बड़ी बात थी। बॉक्सिंग ने टेस्ट मैच भी जीता है और बहुत ज्यादा तो इसमें नहीं आएगा, बस आपको इतना ही देखना है कि वार्नर गावस्कर ट्रॉफी को 2-1 से भारत ने जीता है और इस बार का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी भारत ने जीता था। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको शेयर की खेल के बारे में। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नोत्तर भी हैं जिनको भी आपको तैयार करना है। जितना मैंने पढ़ाया है उनकी बेहतरीन व्याख्या के साथ हम लोग उन 25 प्रश्नोत्तर को भी हल कर लेते हैं। तो आइए अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को भी हल कर लेते हैं। जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उससे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। 18वें एशियाई खेल इंडोनेशिया के पालेमबांग और जकार्ता में आयोजित किए गए थे। अभी मैंने आपको बताया भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले या वाली खिलाड़ी कौन है, बजरंग पुनिया, है ना। अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि यहां पर बजरंग पुनिया ने पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता। दूसरा आपका है 21वें फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, मैंने आपको बताया था कुल 32 टीमों ने भाग लिया था जिन्हें 8 समूहों में बांटा गया था और आइसलैंड और पनामा की टीमों ने पहली बार भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, 32 होगा। तीसरा प्रश्न है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से किस प्रतिस्पर्धा को हटा दिया गया था, जूडो को हटा दिया गया था और बास्केटबॉल और पावर लिफ्टिंग को जोड़ लिया गया था। मैंने अभी आपको 2:1 बताया था तो ये दो प्रतियोगिताओं को जोड़ा गया था और इस प्रतियोगिता को हटा दिया गया था। आइए चौथा प्रश्न है आपका 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन में किस देश को इन खेलों में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, है ना, प्योंगयांग में हुए थे कोरिया में। और इस खेल की एक और विशेषता है उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया ने संयुक्त झंडे के नीचे मार्च पास्ट किया था, मैंने वहां पर आपको ये चीज भी आपको डिस्कस की थी। आइए पांचवा प्रश्न है 3रे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो गुवाहाटी असम में आयोजित किए गए किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग उत्तर करिए, बताइए किस राज्य ने, महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, है ना। उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान रहा और जहां पर आयोजित किए गए थे असम में असम का 7वां स्थान रहा। इस पर भी मैंने आपसे चर्चा भी की है। निम्न में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वालों में शामिल नहीं है। 5 लोगों को मिला, रोहित शर्मा को मिला, दिनेश फोगाट को मिला, रानी रामपाल को मिला, हीता दास, हीमा दास इसमें शामिल नहीं है। आइए 7वां प्रश्न 19वें एशियाई खेल 2022 कहां आयोजित किए जाएंगे, चीन के होंगझाओ में आयोजित किए जाएंगे। अभी हम लोग इसको क्लियर किए हुए हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में किस प्रतिस्पर्धा को हाल ही में शामिल किया। बेसबॉल, क्रिकेट, ब्रेक डांस को ब्रेकिंग के रूप में शामिल किया गया है ना, अभी चर्चा हम लोग की हुई थी। दिसंबर 2020 में ICC द्वारा पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ दशक के टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, ऑस्ट्रेलियाई के स्टीव स्मिथ को प्रदान किया गया। वनडे का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विराट कोहली को, T20 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर राशिद खान को, टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर स्टीव स्मिथ को और स्प्रिट ऑफ द दशक में सर्वश्रेष्ठ स्प्रिट वाले खिलाड़ी के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, स्टीव स्मिथ हो जाएगा। 10वां प्रश्न है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया, बताएं, उत्तर करें इसका 10वां प्रश्न का। तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। कहां आयोजित किया गया, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। US ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता,
बताइए, 11वां प्रश्न है। तो ये डोमिनिक थियम ने इस खिताब को जीता, बी ऑप्शन आपका सही है। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? 12वां। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, दोनों अलग अलग चीजें, वो दशक के हैं और ये जो है स्पिरिट ऑफ द, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विराट कोहली, है ना। दशक में अगर स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित महेंद्र सिंह धोनी, जो पूरे दशक के हैं, और आईसीसी ने अभी जो है किसको सम्मानित किया? विराट कोहली को, ठीक है। किस भारतीय कोच को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए, इसका सही उत्तर होगा पुलेला गोपीचंद को, है ना। पुलेला गोपीचंद को ओलंपिक समिति द्वारा लाइफ टाइम का अचीवमेंट अवार्ड दिया गया कोच के रूप में। अक्टूबर 2019 में प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किस टीम ने जीता? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है यहां पे, बताइए। तो ये खिताब जीता बंगाल वॉरियर्स ने। किसने जीता? बंगाल वॉरियर्स ने। अगला है आपका 15वां। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया, डिस्कस हो चुका है अभी। 16वां है, मार्च 2020 में किस देश ने आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? सभी लोग उत्तर करें 16वें प्रश्न का। तो 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। वर्ष 2023 में एफआईएच हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? बताएं जल्दी से, वर्ष 2023 में एफआईएच हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? उड़ीसा। वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया? बताइए, डी ऑप्शन आपका सही होगा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी? 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है, अभी हम लोगों ने चर्चा की। और 20वां प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो रन मशीन विराट कोहली ने अभी ये कारनामा कर दिखाया। ये हम लोगों का खेल से संबंधित एक संयुक्त एपिसोड था, जिसके नोट्स और प्रश्नोत्तरी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और निश्चित मान के चलिए कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इससे ज्यादा आपको खेल में नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स में आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कैसा आपको एपिसोड लगा आप जरूर लिखिए। इसी प्रकार अलग अलग सभी एपिसोड्स के साथ पूरी वर्ष की जो आपकी है अलग अलग सेगमेंट में, खेल, पुरस्कार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, विज्ञान, पर्यावरण, संविधान, ऐसी पूरे अलग अलग सेगमेंट पर हम लोग करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। आज मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सुझाव टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए हमेशा अमूल्य रहे हैं। अपने सुझाव दें, ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आप कहां से हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।